हेलो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे BCCL भारत कुकिंग को लिमिटेड से। दोस्तों एक अपडेट निकल कर आ रही है, आप यहां देख सकते हैं टाइटल अनुकंपा या जमीन के बदले नौकरी पाने वाले कोयला कर्मियों के लिए बहुत बड़ा अपडेट। मतलब दोस्तों जो जमीन के बदले नौकरी मिलती है उसके लिए कुछ अपडेट निकाले गए हैं, आई होप आपको पता रहना चाहिए। नीचे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको बताया गया है कि देश की कोयला उत्पादन कंपनी कोल इंडिया की सब्सिडरी इकाई भारत कुकिंग कोल लिमिटेड में 2026 तक सरप्लस मैन पावर की समस्या खत्म हो जाएगी। BCCL के पास फिलहाल 3800 कोयला कर्मियों जरूरत से ज़्यादा है। सरप्लस कर्मियों पर लगभग 95 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त खर्च हो रहा है। दोस्तों जानकारी के अनुसार चालू वित्त वर्ष में कंपनी के 1800 से अधिक कर्मी रिटायर हो जाएंगे। अगले वित्त वर्ष में BCCL के पास सरप्लस कर्मियों की संख्या घट जाएगी क्योंकि सब रिटायर हो जा रहे हैं। यह सब बातें BCCL बोर्ड की बैठक में उठी है। विशेष बात यह है कि मैन पावर बजट पर चर्चा के दौरान यह भी निर्णय हुआ है कि जमीन के बदले BCCL में नौकरी पाने वाले युवक युवतियों को यदि योग्यता है, अगर कोई क्वालिफिकेशन है, तो कंपनी जनरल मजदूर यानी कैटेगरी 1 का काम उससे नहीं कराएगी। योग्यता के अनुसार काम दिए जाएंगे, जिसके इसके लिए कंपनी ने स्वर कराने का निर्णय लिया है, सर्वे कराने का निर्णय लिया है। आगे ऐसे योग कर्मियों को प्रमोशन में सहूलियत दी जाएगी। BCCL बोर्ड की ओर पहले बैठक में भी यह चर्चा हुई थी। कंपनी हित में बोर्ड की बैठक में इस प्रकार की सहमति बनी है। दोस्तों मतलब दोस्तों आपको यहाँ साफ साफ बता दिया गया है कि BCCL में दोस्तों 3800 ज़्यादा सरप्लस एम्प्लॉय है, अगले वर्ष दोस्तों 1800 से अधिक रिटायर हो जाएंगे, तो सरप्लस का जो समस्या है BCCL में ख़त्म हो जाएगा और जमीन के बदले जिन लोगों को नौकरी मिलती थी उसको दोस्तों सिर्फ जनरल मजदूर कैटेगरी 1 का काम में रखा जाता था। दोस्तों अब उसको चेंज करके अगर उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो उसी के आधार पर उसको जॉब दिया जाएगा। बैठक में दोस्तों ये बात निकल कर आई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।